हाँ जी बेटे, अब हमारा टॉपिक है कार्नट इंजन, या कार्नट हीट इंजन भी कह सकते हैं आप इसे। डिजाइन बाय सर डी कार्नट, नेम ऑफ द साइंटिस्ट। ठीक है, अब कार्नट हीट इंजन जो है ना बेटे, वो भी हमारे पास एक्चुअल में हीट इंजन ही है। वो तो नाम से ही पता ही चल रहा है, मतलब ऑलरेडी जो हम पढ़ चुके हैं ये उसी टाइप से हम कह सकते हैं। 1824 में डिजाइन किया गया था इसे, इन 1824। अब इसमें क्या क्या चीजें हैं वो हमें ध्यान देनी है। सबसे पहले तो ये है क्या, वेरी सिंपल, पहली चीज तो ये बतानी है हमने कि कार्नट हीट इंजन क्या होता है। कार्नट हीट इंजन एक आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन है, एक साइक्लिक प्रोसेस से होकर गुजरता है। आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन है जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस से होकर गुजरता है, और इस साइकिल में चार अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जिसमें दो आइसोथर्मल प्रोसेस है और दो एडियाबेटिक प्रोसेस है। बोलो बच्चे, बात समझ आई क्या? नहीं आई, ठीक है तो लिखिए कार्नट हीट इंजन क्या है, क्या चीज। इट इज एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन, इट इज एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन, इट इज एन आइडियल रिवर्सिबल हीट इंजन विच इज ऑपरेटेड बिटवीन सोर्स टेम्परेचर T1 एंड सिंक टेम्परेचर T2, विच इज ऑपरेटेड बिटवीन सोर्स टेम्परेचर T1 एंड सिंक टेम्परेचर T2। ब्रैकेट में लिख लो बेटे, T2 लेस देन T1। T2 जो है वो छोटा है T1 से, यानी सिंक का टेम्परेचर कम है सोर्स के टेम्परेचर से। क्लियर हो गया? ये कार्नट हीट इंजन की डेफिनेशन है। अब इसकी हम बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन क्या है, किस किस चीज से, मतलब कौन कौन से इसके जरूरी पार्ट्स हैं कंस्ट्रक्शन। तो इसकी कंस्ट्रक्शन में देखिए बच्चों, इसकी कंस्ट्रक्शन में जो मेन पार्ट्स हैं, सबसे पहले तो हमारे पास एक होता है बेटे सिलेंडर। क्या होता है? सिलेंडर, इसे हम सिलेंडर कह सकते हैं। और इसके अंदर है बेटे वर्किंग सब्सटेंस। इसके अंदर क्या है? वर्किंग सब्सटेंस। और वर्किंग सब्सटेंस जो है वो एक्चुअल में एक आइडियल गैस है। वर्किंग सब्सटेंस कौन है? एक आइडियल गैस है। और इसकी ये जो वॉल्स हैं, दीवारें जो है, ये परफेक्टली इंसुलेटिंग वॉल्स है, मतलब इसमें से हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती। एडियाबेटिक वॉल्स कह सकते हैं आप इन्हें। ये क्या है बच्चे? एडियाबेटिक वॉल्स। कौन कौन सी? इंक्लूडिंग इट्स फ्रिक्शनलेस पिस्टन। फ्रिक्शनलेस पिस्टन, यहां पर इसका पिस्टन है, ये भी एडियाबेटिक है, और ये वाली जो दीवार है ये भी एडियाबेटिक है। ये तीनों ही एडियाबेटिक दीवारें हैं। और इसका जो बेस है ये कंडक्टिंग है। बेस क्या है बच्चों? कंडक्टिंग बेस है, यानी इसमें से हीट एक्सचेंज हो सकती है, इसमें से हीट एक्सचेंज हो सकती है। और एक आपके पास है इंसुलेटिंग पैड। एक क्या चीज है? इंसुलेटिंग पैड कह लीजिए, बैक बेस कह लीजिए, एक ही बात है। कहने का मतलब जब इस सिलेंडर को उठा के इंसुलेटिंग बेस पर रख दिया जाए तो यहां से भी इंसुलेशन हो गया, तो सारी की सारी एडियाबेटिक वॉल्स होगी, तो हीट एक्सचेंज अलाउड नहीं होगा। तो जब हमें एडियाबेटिक प्रोसेस करवाना होगा तब हम सिलेंडर को कहां रखेंगे? इंसुलेटिंग बेस पर रखेंगे। अदरवाइज ये आपके पास है सोर्स। ये क्या है बच्चों? सोर्स। किस चीज का? हीट का सोर्स, जो कि T1 टेम्परेचर पर है, और T1 टेम्परेचर हाई है। और ये आपके पास है सिंक, सिंक जिसका टेम्परेचर T2 है। क्लियर हुआ? तो अब हमारे पास चार मेन चीजें हैं। नंबर एक बात तो सिलेंडर हो गया, सिलेंडर विद फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ध्यान देना, फ्रिक्शनलेस पिस्टन, बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है, ऐसा हमने आइडियली माना है। इसके अंदर क्या है? वर्किंग सब्सटेंस है, और वर्किंग सब्सटेंस का काम कौन कर रहा है? आइडियल गैस कर रही है। ठीक बात। नेक्स्ट हमारे पास सोर्स है जिसका टेम्परेचर हाई है, T1 टेम्परेचर मान लिया। नेक्स्ट हमारे पास सिंक है, टेम्परेचर लो है, T2 मान लिया। और नेक्स्ट हमारे पास इंसुलेटिंग बेस है। अब ये काम कैसे करेगा? इन चारों की कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख दो है। नंबर 1 सिलेंडर, नंबर 2 सोर्स, नंबर 3 सिंक, नंबर 4 इंसुलेटिंग पैड। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे देखते हैं बेटे। अब ये काम कैसे करता है, वर्क कैसे करता है, वो समझिए पहले। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर बोर्ड में ध्यान दें, सबसे पहले हम वर्किंग सब्सटेंस को उठाकर कहां रख देंगे? सोर्स के ऊपर रख देंगे। तो क्योंकि इसका बेस कंडक्टिंग है, इसके अंदर से इसका टेम्परेचर हाई है, तो इसके अंदर से हीट इसमें जाएगी,
हीट जाएगी तो इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा। हम क्या करेंगे, इसे स्लो एक्सपेंशन अलाउ करेंगे। क्या करेंगे? स्लो एक्सपेंशन, क्योंकि हीट मिल रही है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से उस हीट का कुछ पार्ट इंटरनल एनर्जी चेंज करने के काम आ रहा है और कुछ पार्ट वर्क डन करने के काम आ रहा है। और क्योंकि हमारे पास पिस्टन फ्रिक्शनलेस है तो पिस्टन ऑटोमेटिकली बाहर की तरफ चलने लगेगा, तो यानी एक्सपेंशन होगा। लेकिन हम करवाएंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या करवाएंगे? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो ये स्लो प्रोसेस होगा, जितनी हीट यहाँ से रिलीज होगी उसकी जितनी हीट यहाँ से इसके अंदर जाएगी उसकी वजह से जो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था उतना ही साइमल्टेनियसली साथ की साथ एक्सपेंशन की वजह से उतनी ही कूलिंग होती रहेगी। तो कहने का मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा। क्या होगा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो पहला प्रोसेस, कार्नट्स इंजन एक साइकिल पर काम करता है, इस साइकिल में चार प्रोसेस होते हैं, इसमें से पहला प्रोसेस है आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यानी हमने इसे उठाकर सोर्स पर रखा, सोर्स से इसने हीट ली, एक्सपेंशन हुआ, टेम्परेचर नहीं बढ़ा। क्लियर होगी बात? फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको उठा के इंसुलेटिंग पैड पर रख देंगे। और क्योंकि इसके अंदर पहले ये हीट ली थी आपके पास, पहले से ही जो पिस्टन है दैट वाज मूविंग आउटसाइड, लेकिन अब क्या हुआ, हीट लेनी बंद कर दी क्योंकि इसको हमने कहां रख दिया, इंसुलेटिंग बेस पर रख दिया। तो अब ये चारों तरफ से क्या हो गया, इंसुलेटेड हो गया, यानी एडियाबेटिक प्रोसेस होगा। अब जो एक्सपेंशन हो रहा है वो एडियाबेटिक एक्सपेंशन होगा, यानी नो एक्सचेंज ऑफ हीट, नो एक्सचेंज ऑफ हीट, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, लेकिन अब टेम्परेचर चेंज होगा। नंबर दो प्रोसेस में क्या चेंज होगा? टेम्परेचर। फिर हम तीसरे प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो पहले दो प्रोसेस कौन कौन हुए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन एंड एडियाबेटिक एक्सपेंशन। और फिर तीसरे प्रोसेस पर जाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको उठाकर सिंक पर रख देंगे। कहाँ रख देंगे? क्योंकि सिंक का टेम्परेचर कम है तो हम क्या करेंगे, इसको कंप्रेस करवाएंगे। क्या करवाएंगे? पिस्टन को कंप्रेस। जब पिस्टन कंप्रेस होगा तो इसके अंदर से हीट रिलीज होगी और कहां जाएगी, सिंक में जाएगी। और क्योंकि ये स्लो कंप्रेशन हो रहा है तो इसके कंप्रेशन की वजह से इसका टेम्परेचर, या इसका टेम्परेचर क्या होना चाहिए था, कंप्रेशन की वजह से बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्योंकि इसके अंदर से हीट सिंक में जा रही है तो वो नहीं बढ़ेगा, तो फिर से ये आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। और फिर हम इसे उठाकर कहां रख देंगे, इंसुलेटिंग पैड पर, और इसे कंप्रेस करवाएंगे। तो फिर जो टेम्परेचर चेंज होगा तो इसे हम बोलेंगे एडियाबेटिक कंप्रेशन। क्या बोलेंगे? तो पहला प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा प्रोसेस एडियाबेटिक एक्सपेंशन, तीसरा प्रोसेस आइसोथर्मल कंप्रेशन, चौथा प्रोसेस एडियाबेटिक कंप्रेशन। और ये चारों प्रोसेस साइक्लिक साइकिल बनाएंगे, यानी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट एक ही होंगी, और उसे हम बोलेंगे कार्नट साइकिल। क्या बोलेंगे बच्चों? कार्नट साइकिल। तो ये हमारे पास कार्नट साइकिल है, ये आपके पास प्रेशर हो गया, इधर हमने वॉल्यूम ले लिया, पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन, फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन। तो ये आपके पास चार पॉइंट्स आ गए। इस साइकिल को हम बोलेंगे कार्नट साइकिल। तो ये इसे हम एबीसीडी बोल देते हैं एक बार के लिए। तो पहले ए से बी जाएगा बेटे, तो ये P1, V1, T1 से लेकर P2, V2, T1 आइसोथर्मल है ना, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, सिर्फ वॉल्यूम और प्रेशर चेंज होंगे, तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो गया। क्लियर हुआ? दूसरा क्या होगा? एडियाबेटिक एक्सपेंशन। तो अब टेम्परेचर भी चेंज होगा, तो P3, V3, T2, समझ आया? फिर आइसोथर्मल, ये प्रोसेस इधर हुआ, ये इधर होगा, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन होगा। आइसोथर्मल कंप्रेशन है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, प्रेशर V4, वॉल्यूम V4, टेम्परेचर T2। फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन होगा, टेम्परेचर भी चेंज होगा और ये सारी वैल्यूज वापस से P1, V1, T1 आ जाएंगी। और क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट्स एक ही हैं, दैट्स व्हाई इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस, इट इज ए साइक्लिक। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है किसी को? तो इसे बोलेंगे कार्नट साइकिल। इसे क्या बोलेंगे? कार्नट साइकिल। क्लियर? अब कार्नट साइकिल में चार प्रोसेस हैं, पहला आइसोथर्मल प्रोसेस, दूसरा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबेटिक कंप्रेशन। आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबेटिक एक्सपेंशन के वर्क डन हम ऑलरेडी कर चुके हैं पिछली क्लास में। क्या फार्मूला था कोई बच्चा बताएगा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबेटिक एक्सपेंशन के फार्मूले क्या थे, बताओ शाबाश। देखो बेटे, ये दो फार्मूले हम यहाँ यूज करेंगे। जब हमने आइसोथर्मल प्रोसेस की बात की तो हमारे पास वर्क डन कितना था, वर्क डन था NRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 डिवाइडेड बाय V1, यही था ना? यस सर। हाँ जी। और एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो वर्क डन था दैट वाज R into T1 minus T2 divided by gamma minus 1। ये करे थे कि नहीं करे थे? यस सर। अब देखो बेटे, जो हमारे पास यहाँ पर आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है इसमें वर्क डन कितना होगा,
तो हम लिखेंगे वर्क डन ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम ए टू बी। इसके अंदर कितना वर्क डन हो गया, हम इसे W1 बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, फार्मूला तो वही लगेगा बेटे, तो ये हो जाएगा एन आर टी किसे आ जाएगा टी वन नेचुरल लॉग ऑफ वी टू डिवाइडेड बाई। कोई दिक्कत? दूसरी बात, क्या आप बच्चों को ये भी पता है कि पीवी डायग्राम में ग्राफ के अंडर जो एरिया है वो भी वर्क डन बताता है? आया ना बोलो। तो जब हम ए से बी जाएंगे बेटे तो एरिया कितना बना, इस बी को हमने वॉल्यूम एक्सिस पर मिला दिया, ए को भी वॉल्यूम एक्सिस पर मिला दो, इसे मैं एक बार ई और एफ बोल दूं कोई दिक्कत तो नहीं है? तो एरिया कितना बना बेटे, ए बी ई एफ ए, वापिस ए से ए तक, तो ये किसके बराबर होगा, एरिया ए बी ई एफ ए। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक, अब हम क्या कहेंगे, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक एक्सपेंशन, वर्क डन ड्यूरिंग एडियाबेटिक, तो जो डब्ल्यू टू हो रहा है वो कितना होगा, आर इंटू टी वन माइनस, ये है ना आपके पास टी वन माइनस डिवाइडेड बाई गामा माइनस वन, और इसका एरिया कितना होगा बेटे, ये वाला, तो ई एफ इसे जी बोल देते हैं, तो प्रोग कितना हुआ, एरिया बी, शाबाश बोलो, एरिया बी सी जी ई बी, क्लियर? ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसका वर्क डन कितना होगा, डब्ल्यू थ्री वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन फ्रॉम सी टू डी, ये कितना होगा, वही वाला फॉर्मूला एन आर, यहाँ पर टेम्परेचर कितना है टी टू नेचुरल लॉग बाद वाला वॉल्यूम डिवाइडेड बाय पहले वाला वॉल्यूम बी फोर डिवाइडेड बाय। कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है जी, कंप्रेशन हो रहा है इसलिए वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव। अंडरस्टूड ऑर नॉट? यस सर। इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एरिया, कितना एरिया होगा बेटे, आप चलो यहां से, आप जाओ जाओ, शाबाश, सी से डी जा रहे हो बेटे, तो ये एरिया होगा, इसे जी बोला इसे एच बोल देते हैं, सी डी एच बी सी। कोई दिक्कत? ये भी मैंने आपको बताया था कि जब कोई वर्क आपके पास एरिया में क्लॉकवाइज हो तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज हो तो नेगेटिव, तो सी से डी जा रहा है तो इसी से एरिया को देखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है ना, और या फिर हम यूं कहेंगे कंप्रेशन हो रहा है इसलिए नेगेटिव, फाइन। अब डी से ए जाएंगे आप, तो जब आप डी से ए जाएंगे तो वर्क डन कितना होगा बेटे एडियाबेटिक कंप्रेशन में, यही वाला सेम फार्मूला लेकिन माइनस लग जाएगा आगे, आर हाँ जी टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाय गामा माइनस वन, और माइनस ऑफ एरिया डी ए एफ एच डी एफ एच डी। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? एनी डाउट टू एनीबडी? ठीक है, अब नेट वर्क डन कितना हुआ बेटे हमारे पास, टोटल वर्क डन ड्यूरिंग दिस साइकिल, टोटल वर्क डन ड्यूरिंग दिस साइकिल इज इक्वल टू, इन सभी एरिया को देखते हैं, पहले ये वाला एरिया ये वाला हो गया, क्लियर हुआ? Yes, फिर ये वाला हो गया, तो यूं कहेंगे इन दोनों को जोड़ दें तो ये सारा एरिया आ गया, बोलो बात समझ आई कि नहीं आई? Yes, sir। और फिर ये वाला घटा दिया इसमें से, और फिर ये वाला घटा दिया इसमें से, तो ये एरिया बच गया कि नहीं बच गया? Yes, sir। तो हम इसे क्या कहेंगे, एरिया ए बी सी डी ए साइकिल का एरिया बच गया। वैसे हमें ऑलरेडी बात कर चुके थे कि साइक्लिक प्रोसेस अगर हो तो वर्क डन जो है वो साइकिल के एरिया के बराबर होगा। हाँ याना बोलो? Yes, sir। यही हमारे पास यहाँ से, एनी डाउट टू एनीबडी? ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास था नेट वर्क डन, ये क्या था, नेट वर्क डन। अब हम थोड़ी सी बात किसके बारे में करेंगे, एफिशिएंसी के बारे में, किसके बारे में करेंगे बेटे, एफिशिएंसी के बारे में। तो अब ये एफिशिएंसी क्या होगी, ये आपको पहले से पता है, एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है बेटे, एफिशिएंसी ऑफ कार्नट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ, हाँ जी, 1 माइनस Q2 बाई Q1, ही आप ऑलरेडी हीट इंजन में पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ चुके? Yes, yes, sir। Q2 यानी आपने कितनी हीट ली, कितनी हीट ली बेटे, हाँ जी, जब हमने हीट सोर्स से ली, जब हमने हीट source. तो ये जो प्रोसेस है या आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, इसका मतलब यहां पर जो आपने वर्क डन किया ये है Q1 आपके पास, हीट रिसीव्ड फ्रॉम हॉट रिजर्वर, यही तो था ना बेटे, सबसे पहले आपने इसको इस पर रखा था तो हीट ली थी ना Q1, और फिर जब आपने इसको इस पर रखा था आपने हीट दी थी Q2,
तो इसका मतलब आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो हुआ तब तो आपके पास है Q1, और आइसोथर्मल कंप्रेशन जब हुआ तो ये वर्क डन आपके पास किसके बराबर है, Q2 के बराबर। अब यहां पर आप पुट कर देंगे 1 माइनस Q2 बाय Q1, तो 1 माइनस Q2 की वैल्यू क्या बेटे W3 के बराबर, और W3 की वैल्यू क्या बेटे माइनस को एक बार मैं छोड़ देता हूं, इसे लिख देता हूं एन आर टी टू नेचुरल लॉग ऑफ V3 by V4। तो माइनस था ना बेटे आगे, तो माइनस को जो हमने लॉग के अंदर ले आएंगे तो उल्टा हो जाएगा। नहीं समझ आई बात, कोई बात नहीं। देखो log x माइनस log y बराबर होता है बेटे log x by 1, आया ना बोलो। लेकिन अगर मैं इसे प्लस कर दूं इसे माइनस कर दूं तो ये log y by x नहीं हो जाएगा क्या? बस वही किया, उधर से माइनस हटा दिया और log के अंदर जो थे उनका उल्टा कर दिया। क्लियर हुआ? डिवाइडेड बाय Q1, Q1 की जगह क्या है बेटे n r t1 नेचुरल लॉग ऑफ v2 बाय v1, v1 n r से n r कैंसिल, तो एफिशिएंसी किसके बराबर आ गई 1 माइनस t2 बाय t1 नेचुरल लॉग ऑफ v3 बाय v4 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ v2 बाय v1। इज इट क्लियर टू यू ऑल? एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है। जब हम एडियाबेटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन की बात करते हैं तो वहां से हम ये प्रूव कर सकते हैं, जो एडियाबेटिक एक्सपेंशन की जो इक्वेशन थी ना बेटे PV raised to power gamma is equal to constant, ठीक है नहीं थी? Yes, sir. प्रेशर इनटू वैल्यू की पावर गामा, जब हम उसे प्रेशर हटा के वहां टेम्परेचर ले आए तो ये इक्वेशन बन जाएगी टी वी की पावर गामा माइनस वन, टी वी की पावर गामा माइनस वन। और जब वो इक्वेशन हम डब्ल्यू टू और डब्ल्यू फोर के लिए लिखेंगे तो यहां से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो V3 by V4 है वो V2 by V1 के बराबर होता है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। और क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, बोलो शाबाश, 1 minus C2 by T1। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? एक बार फिर बताता हूं कि ये कैसे बराबर है। देखो बेटे यहां पर एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो रहा है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन के लिए जब हम इक्वेशन लिखते हैं PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और PV इज इक्वल टू होता है बेटे nRT, तो P किसके P हटाना है तो P किसके बराबर होगा nRT डिवाइडेड बाय V। अगर मैं यहां पर पुट कर दूं nRT डिवाइडेड बाय V तो ये वॉल्यूम की एक पावर ऊपर होगी तो पावर गामा माइनस वन हो गई, और n और r कांस्टेंट है तो ये यहाँ अगर कांस्टेंट के अंदर शामिल हो गए, हाँ या ना बोलो? Yes, तो यहाँ से एक और इक्वेशन क्या बन जाती है, t into v की पावर गामा माइनस वन बराबर कांस्टेंट। अंडरस्टूड आर नॉट? तो जब हम एडियाबेटिक एक्सपेंशन और कंप्रेशन से इक्वेशन निकालते हैं और दोनों को बराबर रखते हैं तो वहां से हमें पता चलता है कि v3 by v4 जो है वो v2 by v1 के बराबर है, और जब ये बराबर है तो हम इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 बाय T1। ऑलरेडी हम जानते हैं कि नीटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 बाय Q1, इसे अगर इक्वेशन 1 बोल दें इसे अगर इक्वेशन 2 बोल दें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज प्रूव्ड दैट Q2 बाय Q1 इज इक्वल टू T2 बाय T1। आपको पता हो तो हीट इंजन में हमने इस फार्मूले को यूज किया था, और मैंने आपको कहा था कि इसे बाद में प्रूफ करेंगे, तो ये उसका प्रूफ भी हो गया है अगर कार्बोनेट इंजन के अंदर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये था बेटे कार्बोनेट इंजन। एक बार फिर से बताता हूँ, कार्बोनेट इंजन क्या है, एक थ्योरेटिकली डिजाइंड हीट इंजन है, आइडियली रिवर्सिबल हीट इंजन कह सकते हो आप, जो कि टेम्परेचर T1 और T2 के बीच में ऑपरेट होता है। T1 सोर्स टेम्परेचर है, T2 सिंक टेम्परेचर है। नंबर दो, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में चार चीजें हैं, एक गैस सिलेंडर हैविंग वर्किंग सब्सटेंस एज एन आइडियल गैस इन इट, एंड देन सोर्स एट टेम्परेचर T1 व्हिच इज ग्रेटर देन T2, T2 इज टेम्परेचर ऑफ सिंक, एंड देन देयर इज इंसुलेटिंग पैड। क्लियर? पहले हम इसको इस पर रखेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन, फिर इसको इस पर रखेंगे एडियाबेटिक एक्सपेंशन, इसको इस पर रखेंगे आइसोथर्मल कंप्रेशन, इसको वापस इस पर रखेंगे एडियाबेटिक कंप्रेशन। और क्योंकि हमें इन दोनों के फार्मूले पहले पता है तो हमने W1, W2, W3, W4 निकाल लिए, और फिर टोटल W निकाला वो इसके एरिया के बराबर आ गया, और फिर यहीं से हमने क्या किया, एफिशिएंसी की बात की 1 माइनस Q2 बाय Q1, Q2 और Q1 की वैल्यूज पुट की, ये आ गया 1 माइनस T2 बाय T1, और यहां से ये भी प्रूव हो गया कि Q2 बाय Q1 किसके बराबर है, T2 बाय T1 के बराबर है। एनी डाउट? नो सर। कार्बोनेट इंजन में कमी क्या है? कार्बोनेट इंजन में ये कमी है, या फिर साड़ी कार्बोनेट ने यूं कहा है, ये जो कहा है वो कमी नहीं है, वो तो एक अलग बात है। साड़ी कार्बोनेट के अकॉर्डिंग कोई भी हीट इंजन इससे ज्यादा एफिशिएंसी नहीं दे सकता,
जितनी एफिशिएंसी इस हीट इंजन की है जो कि थ्योरी में बनाया हुआ है उससे ज्यादा एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। अंडरस्टूड? जैसे मान लो इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास सोर्स का टेम्परेचर 100 डिग्री दे दिया जाए और सिंक का टेम्परेचर T2 जो है वो मान लेते हैं कि 27 डिग्री दे दिया जाए, तो आप यहाँ पर वैल्यूज को पुट रखे और पुट करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि हीट इंजन की एफिशिएंसी कितनी होगी। जितनी आएगी एफिशिएंसी, जितनी भी आ जाए, चलो हम इसका टेम्परेचर एक बार 50 मान लेते हैं सिंक का, तो याद है बेटे 1-50/100 यानी हाफ, 1-1/2 यानी 1/2, तो कहने का मतलब 50% एफिशिएंसी, यानी जितनी हीट उसने सोर्स से ली उसका 50% वर्क में कन्वर्ट कर देगा, ये मीनिंग निकला। अब साडी कार्नेट ये कह रहे हैं कि यही दोनों टेम्परेचर होने चाहिए 100 और 50, कोई भी हीट इंजन बना लो, प्रैक्टिकली बना लो, वो हीट इंजन 50% से ज्यादा एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा। कहने का मतलब ये कि जो हीट इंजन यहां पर एफिशिएंसी जो दे रहा है उससे ज्यादा एफिशिएंसी उन्हीं दोनों टेम्परेचर के बीच में काम करने वाला कोई भी हीट इंजन नहीं दे सकता जो प्रैक्टिकली बनाया जाएगा। क्लियर हुई की बात नहीं हुई? ये है बच्चे कार्नेट हीट इंजन। इसमें कमी क्या है? कमी यह है कि कार्नेट हीट इंजन को डिजाइन करते हुए थ्योरी में समझते हुए अपने कुछ चीजें मानकर चले हैं। क्या? एक तो पिस्टन जो है वो फ्रिक्शनलेस है, जबकि 100% फ्रिक्शनलेस पिस्टन पॉसिबल नहीं है, तो एक तो ये डिसएडवांटेज हो गया ना, लिमिट हो गई, लिमिटेशन कह सकते हैं। दूसरी, वर्किंग सब्सटेंस एक आइडियल गैस है और परफेक्टली आइडियल गैस कोई होती नहीं है, तो ये कुछ कमियां हैं जो कार्नेट हीट इंजन या इस थ्योरी के अंदर कह सकते हैं। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बस इसी टॉपिक के साथ में हमारा थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो चुका है और थर्मोडायनेमिक्स के बाद में आप बच्चे इसके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। एनसीईआरटी से जब आप इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, बड़े ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, और अगर आपको नहीं आएंगे तो डाउट्स ले लेंगे हम, और इसके बाद हम थ्योरी में शुरू करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आप बच्चों का यूनिट 9। क्लियर?